महाकर्म में हम सभी को ये पवित्र चिंतन धारा प्रदान की, वह हम सभी के लिए जीवन में मंगलमय हो। इसी पर्व की श्रृंखला में हमारी जो चर्चा है कर्ता कर्म अधिकार की, इसके लिए समझना चाहिए कि हमारे पर्व समाप्त नहीं हुए, क्योंकि ये जो कर्ता कर्म का एक बहुमूल्य चिंतन है वह भी इस महापर्व की ही एक श्रृंखला है। बहुत सरल और बड़ी मार्मिक बात कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव हमें दे रहे हैं। समझना चाहिए कि जीवन के निधान हमको दे रहे हैं, क्योंकि ये जो भूल और भ्रम है कर्ता कर्म की, इससे संपूर्ण ही जीवन पूरा का पूरा अब तक बर्बाद हुआ है। जीवन का एक एक पल कष्टमय और आकुलतामय बीता है। मैंने संपूर्ण रूप से जीवन नष्ट हुआ है, लेकिन इस पर्व में आकर हमको पुनर्जीवन दिया, हमें नए श्वासोच्छ्वास प्रदान किए और हम पुनः इसी वायुमंडल में श्वास ले रहे हैं जो महापर्व ने उत्पन्न किए। ये तो हमारी सभी की प्रबल भावना हो, हमारा एक एक पल महापर्व बन जाए और इसकी विधि यही है कि आचार्य कुंड कुंड और आचार्य अमृत कुंड जैसे संत जो हमें दे गए हैं, इसकी प्रतिष्ठा हम अपने हृदय में करें। वह एक सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठा विधान है। बाहर की जो प्रतिष्ठा विधान है उन सब का जो फल होता है वह अंतर्मन में इस तत्व की प्रतिष्ठा है। तो इसी चिंतन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार की युक्ति ऐसी गाथा है। प्रारंभ आचार्य ने वहां से किया था कि आत्मा एक परम पवित्र परम सिद्ध तत्व है, क्योंकि इसमें इस आत्मा के स्वभाव से अनमेल जो भाव हैं, चाहे वे उसके भीतर पैदा होते हों अथवा बाहर पैदा होते हैं, लेकिन उनका मिश्रण इस आत्म तत्व में नहीं होता।
भले ही वे उत्पन्न हो गए हैं हमारी प्रचंड नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण, मैंने उस चैतन्य तत्व के अदर्शन के कारण एक बार जीवन में इसकी मंगलमय अनुभूति नहीं हो पाई, इसलिए जीवन को दूसरे के सुपुर्द करना पड़ा और सारा का सारा जीवन दासता में बीता, गुलामी में बीता। ये करता कर्म विचार आत्मा की इसी स्वाधीनता का जय घोष करता है और एक ऐसा मंगलमय संदेश हमको देता है कि एक बार यदि उसका हमारे भीतर अवतरण हो जाए तो जीवन किसी अपूर्व शांति का अनुभव करता है, निश्चित ही करता है। ये केवल बात नहीं है, कथन नहीं है, लेकिन ये कथन भीतर प्रतिष्ठा पाने योग्य है और उसकी यदि प्रतिष्ठा कर ली जाए तो जीवन बदल जाता है, नया जीवन जिसको कहते हैं, बिल्कुल नया जीवन। किसी व्याधि से जैसे किसी व्यक्ति का उद्धार हो जाए, मुक्त हो जाए उस व्याधि से, तो कहता है कि मुझे नया जीवन मिला है। इसी प्रकार आत्मा के ये घाव जो उत्पन्न किए गए हैं स्वयं हमारे द्वारा, हमारे द्वारा ही हमारा घात किया गया है और ये घाव पैदा हुए हैं, इनकी यदि चिकित्सा आचार्य कुंड से हम करा लेते हैं तो सदा के लिए अमर हो जाती है। अमरता का अनुभव, जीवन में प्रतिक्षण अमरता का अनुभव, यही जीवन की अमरता है। अमराई कहते हैं अमीर लोग, ये अमराई जीवन में पैदा होती है, अर्थात जीव अमीर बन जाता है। दरिद्री था में सभी को अपना स्वामित्व इस विश्व को दे रखा था, अपनी हर हलचल विश्व के सुपुर्द की थी। आज इसे समेट कर हमने हमारी हर व्यक्ति को अपने अधीन किया और जीवन स्वाधीन हुआ। स्वाधीनता की अनुभूति बस यही स्वाधीनता है, क्योंकि जो पराधीनता थी उसको ये कर्ता कर्म अधिकार काल्पनिक घोषित करता है। पहले क्या कहा कि जो विकास आत्मा के भीतर पैदा हुए अंतरंग, क्या था ना, अंतरंग में उत्पन्न होने वाले और बाहर जो आत्मा से भिन्न पदार्थ दिखाई देते हैं उनमें से किसी से भी साथ आत्मा का रंच मात्र भी संबंध अनुभव मत करो। अब तक किया है यह मानकर, यह जिद करके कि अपने भीतर उत्पन्न होने वाली वस्तु के साथ
मैं अपने की कैसे न करूं। इस जिद में वह अपनत्व करता रहा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि स्वस्थ आत्मतत्व के स्वभाव के विपरीत ये व्याधियां आत्मा में पैदा हुई, इनको यदि अपनत्व दे दिया जाए तो फिर आत्मा स्वास्थ्य का अनुभव, आरोग्य का अनुभव कभी नहीं कर सकेगा। जो आत्मा से ही अनमोल और बेमोल चीज है, हम उसके पैदा होने के स्थान की क्यों तलाश करते हैं? कहीं पैदा हुआ हो लेकिन वह हमारा नहीं हो सकता, आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की मुखाकृति और उनकी मुखाकृतियां बिल्कुल अलग अलग हैं। आत्मा की हो तो उनमें आत्मा की मुखाकृति पाई जाना चाहिए, तभी तो आत्मा ही कहें। क्या है उनके पास आत्मा का? कोई तत्व, कोई धर्म, कोई गुण आत्मा का क्रोधादि में, पाप और पुण्य के परिणामों में पाया नहीं जाता है। सारे पाप और पुण्य के परिणाम इस आत्मा के सौंदर्य से विपरीत होने के कारण कुरूपताएं हैं। कुरूप है जैसे एक जन्मजात कुरूप हो कोई व्यक्ति, एक स्वाभाविक ही कुरूप है वो, और फिर उस कुरूपता को ढकने के लिए ऊपर से पाउडर लगाता है, कुछ और सफाई करता है। वो जो पाउडर है उससे भले ही कुछ इसमें बदलाव लगे, लेकिन वह तो वही है, इसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आने पाया है, क्योंकि जो शरीर का स्वाभाविक सौंदर्य होना चाहिए वह कभी किसी के भी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या दवाई लगाई है बदल जाए? इसी तरह पुण्य भी, क्या कहें इसके लिए? योगियों ने, महर्षियों ने तो इस पुण्य को भीतर से इस तरह अलग किया है कि वे इसकी ओर झांकना नहीं चाहते, और इस तत्व का स्वभाव कुछ ऐसा है कि जो इसकी ओर नहीं झांकता है ये बहुत इसके पीछे पड़ता है, प्रचुर मात्रा में आता है ये स्वभाव इसका, जिसने इसके ममत्व तोड़ा तो यह पांव तोड़कर उन बैठे हैं। और जिसने आत्मा के सौंदर्य को देखा वह कभी भी उस पर विमोहित होता ही नहीं है, यह भी अनेक रूप बदल बदल कर आता है, लेकिन जिसने उस आत्मा के सौंदर्य का दर्शन किया वो जानता है कि इससे किसी भी रूप में मेरा वो सौंदर्य मिलता ही नहीं, मैं तो जगत का सुंदरतम पदार्थ हूँ। विश्व सुंदरी है आत्मा, अब
और किसकी ओर आकर्षित हो, कौन है जगत में ऐसा? तो बदल बदल कर आता है, इसलिए योगी जन तो इसकी ओर झांकते ही नहीं, द्वेष नहीं करते, क्योंकि तो परतत्व है कि द्वेषों की वजह हराया है। वे तो अनुभव भी ये करते हैं कि इनसे मुझे कोई लाभ और हानि नहीं है। पराकाष्ठ का चिंतन की क्या पाप और पुण्य से मुझे कोई लाभ हानि नहीं, क्योंकि मैं तो इनसे अपने सारे कृत्रिम संबंध समाप्त कर चुका हूं। अब मुझे क्या मतलब है, जिसे संबंध तोड़ दिया, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, तब उन 96,000 से क्या मतलब है? एक से एक सुंदर पिछली हो, लेकिन वो तो अब दूर से झांकने लायक भी नहीं है, इसलिए देखते तक नहीं है वे योगी जन उसकी तरफ, इसलिए वे इस पुण्य को भी पाप कहते। तो क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर पड़ गया? एक काले कुरूप चेहरे पर पाउडर लगाया, चेहरा नया हो गया, इसमें क्या अंतर पड़ गया? कि सचमुच जो पुण्य है वो तो नहाया हुआ पाप है, इससे उसकी जाति नहीं बदलती। जाति बदलेगी? अच्छा, कितना उपाय करे कि उसकी जाति बदल जाए? कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि वो तो तत्व ही एक भिन्न है, अलग, वो भी अपने स्वरूप को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हम उसका स्वरूप क्यों छुड़वाएं? बस बात तो केवल इतनी सी है कि उसमें और हमारे बीच कभी भी मैत्री होने वाली नहीं, क्योंकि हम जिधर चलते हैं वो उससे विपरीत चलता है, ये साथ कैसे निभेगा? संभव नहीं है बात। तो जो सूक्ष्मदर्शी लोग होते हैं, समझदार लोग, वो इस अंतरंग भेद को समझते हैं, भीतरी भेद को, और वे उससे मैत्री तोड़ देते हैं। तुम्हारा हमारा बनने वाला नहीं है, तुम रहो अपने घर में रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे निकट भी रहो, हमें कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम तो जगत में किसी से प्रभावित होने वाले नहीं हैं, हमारा तत्व ही ऐसा है, तुम्हारी आदत ही ऐसी है, शरीर में उत्पन्न होने वाला ये पसीना है, इन इंद्रियों से झड़ने वाले ये शक्ति के सिचुएशन है, तो ये वहीं रहेंगे, उनका स्वरूप कभी बदलने वाला तो नहीं रहा, चौथे और पांचवें काल में बदल जाता हूं, नाक से जो फैक्ट्री का माल निकलता है चौथे पांचवें काल में उसका स्वरूप बदल जाता होगा, ये होता नहीं है कभी, इसलिए और आत्मा इन दोनों ही अपवित्रताओं से बिल्कुल भिन्न और पवित्र तत्व है, इसलिए वह उनको छूता नहीं है। ठीक, वह पवित्र होता है इनकी छूता नहीं, रहे भले ही कहीं भी रहे, ये प्रकाश है, सब जगह फैला हुआ,
सबसे ऊपर फैला हुआ दिखाई देने पर भी किसी का स्पर्श ही नहीं करता है। स्पर्श करे तो प्रभाव उसमें देखा जाए, और हम तो ये देखते हैं इस लोक के वायुमंडल का इस प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं, ये अप्रभावित है। इसी प्रकार चैतन्य और उसका स्वभाव जो ज्ञान है, वो कभी भी किसी भी तत्व से प्रभावित नहीं होता, यह उसका एक स्थायी स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप सौंदर्य है ये। एक बार जब इसकी अनुभूति हो जाए, इनसे मैत्री सदा के लिए समाप्त की जाए। कर्ता कर्म भाव को तोड़ना नहीं क्या, इनके साथ मैत्री तोड़ना कि तुम हमारे यहाँ आना, हम भी आपके यहाँ आएंगे, ये तो आपका और हमारा सदा का व्यवहार रहा है, कोई दिन आता तो है कि हम ये कह देते हैं कि अब ये व्यवहार मरने वाला नहीं मरने वाला। घर में ही ऐसा होता, एक भाई के हाथ दाएं जो है बाएं की ओर, बाएं दाएं की ओर हो जाता है, तो समझ लिया जाता है कि अब बंटवारा हो गया। ये किया नहीं हो भले ही, क्यों वो करना तो क्या रिश्ते भी बदले हैं, लेकिन हो गया ना भीतर। इसी तरह यहाँ भी ये विभाजन जब कर लेता है आत्मा, तो वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। इस सुख के बोल हैं ये सारे के सारे। उन विकारों के साथ भी अपने भीतर उत्पन्न होने के कारण जिनको अपना कहा जाता है, लेकिन जो अंतर्दृष्टि वाले पुरुष हैं वे उनको अपनत्व नहीं देते। अपना कहने में और अपना मानने में प्रकाश और अंधकार का फर्क है। जीवन भर कहते रहेंगे वहां कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके एक अंश को भी अपनत्व देने में हमें पूरी पूरी आपत्ति है। इन महर्षियों को, इन संतों को आपत्ति है, किसको अपनत्व दे रहे हैं? तुम्हारा ही घात करता हो उसको अपनत्व देते हैं? होने वाली बात। दो विरुद्ध विचारों वाले व्यक्ति मिलते हैं और वे सारी औपचारिकताएं करते हुए देखे जाते हैं। मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, एक दूसरे के यहाँ भोजन भी कर लेते हों, लेकिन हम वो स्वयं इस बात को जानते हैं कि हम जीवन भर एक नहीं हो सकते। यही स्थिति यहाँ है। ये भले ही पाप और पुण्य की वृत्तियाँ भीतर उत्पन्न होती हैं और कहने के लिए, जैसे वे परस्पर कहते हैं कि हम लोग एक ही हैं, न्यारे न्यारे नहीं हैं। आपको कैसा विचार नहीं चाहिए बिल्कुल। इसी तरह इनके संबंध में भी पाप और पुण्य आत्मा के ही भाव हैं, मैं ही करता हूँ, इतनी तक बात चलती रहती है। पर भीतर से दो टूक हो चुका है चैतन्य, इसलिए वास्तविक अपना टूट गया, क्योंकि टूटा ही हुआ था।
उनमें ऐसे संभव ही नहीं थे। तो वहां से प्रारंभ किया आचार्य ने। क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले मर्म पर चोट की जाती है। शरीर का तो क्या किया जाएगा, वो तो न्यारा है ही, लेकिन आत्मा को सबसे बड़ा जो आग्रह था और पुनः पुनः जो उसको विचार आता था कि आखिर ये मेरे द्वारा किए हुए और मेरे भीतर उत्पन्न हुए जो भाव हैं उनसे मैं संबंध कैसे तोड़ूं, ये उसको एक समस्या ही थी। भीतर एक खटक था। इधर आचार्य ये कहते थे तो उधर उसका ये चिंतन खड़ा हो जाता था। जिसे वो आया नहीं थी गीता में, अर्जुन को विचार आ गया कि कैसे लड़ूं, सब मेरे हैं एक भाई, मेरे बांधव हैं सारे के सारे। तब उसका क्या उत्तर आया कि क्या बहती बहती बातें करता है, कोई है तेरा? महायुद्ध में ये विचार किया जाता है कि ये मेरा है, जो तेरा शत्रु बन चुका है वो कभी भी तेरा नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ आचार्य कहते हैं, तो कड़क बोलते हैं आचार्य, कहते हैं निर्दय हो जाए एक बार, वो जो दया है वो तेरा हाथ नहीं उठने देगी, इसलिए एक बार निर्दय हो जाए। निर्दय हो गया मैंने सामने भाव को अंगीकार कर, तो ये तुझे पृथक दिखाई देने लगेंगे और फिर बार बार इनका विचार और चिंतन भी नहीं है। तो अज्ञानी को क्या विचार आता है कि सारे ही संत दिगंबर संत आत्मा को शुद्ध शुद्ध कहते हैं, लेकिन मैं जो इन वृत्तियों से, पाप और पुण्य की वृत्तियों से घिरा हुआ हूं, शुद्ध कैसे हो सकता हूं, ये उसको बार बार एक आशंका पैदा होती थी। तब कुंड कुंड ने तो बिल्कुल दो टूक कर दिया, दो टूक उत्तर दिया, यह तो बता कि तेरे भीतर उत्पन्न होकर भी तेरे में मिलकर जाती है, तेरे साथ इनका ऐक्य होकर गया, तेरा स्वभाव कि ज्यों का त्यों एकदम अछूता और पवित्र आज भी है सदा से ही, इसलिए इन वृत्तियों के प्रति रहम मत कर और इनसे मुंह मोड़ ले। केवल इतना करना है, पहले इनकी ओर मुंह था अब इनसे मुंह मोड़ ले। इसी का नाम ज्ञान का जीव बनाना कहलाता है। उनकी ओर बार बार झांकना, इसका नाम तो ध्यान का ध्येय है। ज्ञान का ध्येय थोड़ा ही है, जिसकी ओर हम बार बार देखते हैं वो तो हमारे ध्यान का विषय बन गया, चाहे कोई भी हो। देखिए, हमको कोई आशंका होती है कहीं कोई आ नहीं जाए, कहीं कोई आ नहीं जाए, तो उधर ही उधर चित्त रहता है कि नहीं रहता है, तो वो कोई ध्येय थोड़ा ही है, वो तो ध्येय है, तो ध्यान ही इसमें व्यतीत हो रहा है। ध्येय तो उसे कहते हैं
कि जीव उसकी चिंता से ही मुक्त हो जाए सर्वथा, वो ये विचार करना ही छोड़ दे कि मेरे भीतर ये पैदा होती है, मेरा तो भीतर और बाहर सारा का सारा पवित्र है, अब ये कहां पैदा होंगे। पवित्र भाव इस चिंतन की पराकाष्ठा है, ये इसमें एकांत की गंध नहीं आना चाहिए। ये चिंतन धारा अनुभूति में बदलकर और अंतर्मुख चल जाए तो वह भी कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। उधर झांकना ज्ञान को, उधर ले जाना और उधर ले जाना, फिर इस तरह बढ़ाना, इस तरह बढ़ाने से वो बढ़ता नहीं है। किसी चीज को जैसे हम जलाते हों, जलने में दिक्कत आती है, एक सलाई डाली वो भी जलकर बुझ गई, दूसरी सलाई डाली वो भी जलकर बुझ गई, इस तरह वो दिया सलाई समाप्त हो गई लेकिन वो नहीं जल पाई। तब किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि एक ही सलाई में काम चल जाएगा, घास ले डाल दो। यहां क्या कहा कि इधर झांक कर उधर झांक कर ठोस होकर एकदम केवल ज्ञान निकले। अब किसे देखना बाकी रहा तुमको, तुम्हें जगत देखना है ना, तो जगत देखने का यह तरीका नहीं है, इस तरह नहीं दिखाई देगा वो। उससे क्या होता है, उससे ज्ञान और घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जो हमारे देखने योग्य नहीं है हम उनको देखने जाते हैं। कौन है जगत में देखने योग्य, कौन देखने योग्य हो सकता है, और क्यों देखें किसी को, किस लिए देखें। कि एकमात्र जो सर्व सुंदर है वह मेरा रूप ही देखने लायक। वही देखते हैं लोग कांच में, क्या देखते हैं, तो उस सौंदर्य को हम अनुभव करें इसके लिए आचार्य ये कर्ता कर्म की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ में ही वहां चोट करते हैं जहां, और कैसी चोट है ये, जहां विकार को छुआ भी नहीं जरा भी, केवल इतना किया है कि ये मैं नहीं, अब तक ऐसा हुआ, अब तक मैंने जिस संग में मुझे जाना ही नहीं चाहिए था उसके साथ प्रगाढ़ मैत्री स्थापित थी, लेकिन आज मैं संकल्प करके इस मैत्री को तोड़ता हूं। मैं जिसमें तो मैं हलचल मच गई, पाप और पुण्य में हलचल मच गई, खलबली मच गई, जैसे अमेरिका सारे विश्व को एक बार धमकी दे दे खाली कि मुझे ज्यादा छेड़ना अच्छा नहीं होगा, मैंने अभी वह बटन दबाया नहीं है, अगर मैं वो बटन दबा दूंगा तो फिर ये विश्व देखने को नहीं मिलेगा। यहां क्या कहते हैं आचार्य कि उन्होंने वो बटन दबा ही दिया,
और सारा का सारा दोटूब हो गया। इन मलिन परिणामों से, विपरीत भावों से, दुखदायक परिणामों से सदा के लिए आत्मा ने अपना संबंध तोड़ लिया। यही कर्ता कर्म की कथा है, भागवत कथा है। ये भी भागवती था ना, 10 दिन का भागवती तो बच्चा था। और क्या बचा, क्या बचा हमने? भागवत का ही अनुष्ठान था। तो इसके बाद क्या कहा आचार्य ने कि आत्मा अपने भीतर उत्पन्न होने वाले उन पाप और पुण्य के कुरूप परिणामों का, मलिन परिणामों का कर्ता तो है ही नहीं। कर्ता नहीं है मैंने क्या, अर्थात ये मेरे हैं, मैं हूं और ये मेरे कर्म हैं। इस अनुभूति का नाम कर्ता कर्म भाव है और यह निपट ज्ञान है। ये भी एक अनुभूति है लेकिन है बिल्कुल विपरीत। उस अनुभूति पर चोट किया आचार्य ने। क्या अनुभव करता है, किसके साथ संबंध अनुभव करता है, कि कितना तेरा सिंहासन कहाँ है और ये कहाँ रहते हैं, ये इनसे मैत्री करता है और तेरी मैत्री इनके साथ निभने वाली है। तो वहां चोट की आचार्य ने, इसके बाद फिर थोड़ी नरम बात की कि आत्मा, ये जो जगत के पदार्थ हैं, अचेतन पदार्थ, अपने से भिन्न चेतन भी और अचेतन सारे के सारे, इनके साथ तो आत्मा का कर्तृत्व है ही नहीं। कदाचित उन भीतर उत्पन्न होने वाले भावों के साथ आत्मा का कर्तृत्व कहा जाता है लेकिन वह केवल अज्ञान दशा तक सीमित है। इतनी शर्त दी उसमें कि उनका कर्ता कौन है। एक बार तो यदि सचमुच उनसे मुक्त होना है, अर्थात मुक्त होना है, उनसे मुक्त होना है ना, मुक्त होना है, तब तो पद्धति यह है कि उनसे अपने सर्व संबंध तोड़ लो। और कदाचित जो संबंध बना रहा, अब तक जो संबंध बना रहा, तो उस बनाए हुए संबंध के कारण वे भाव आत्मा के कहे जाते थे, आत्मा उनका कर्ता कहा जाता था, आत्मा उनका भोक्ता कहा जाता था, लेकिन पर पदार्थ का कर्ता और भोक्ता तो आत्मा कभी भी नहीं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि चलो उनका कर्ता कह तो दिया जाए। कर्ता कहा है वह भी उस मूर्ख को कहा है, नासमझ को कहा है, कि जो उनके साथ जैसे पर पदार्थ हैं, उनके साथ जैसे कर्तृत्व का अनुभव करता है। ये सब चेष्टाएं, जितनी चेष्टाएं होती हैं शरीर से लगाकर घर के अन्य पदार्थों की, इनकी जितनी प्रवृत्ति, जितनी क्रिया होती है, वो क्रिया मेरे द्वारा होती है, ये मानता था। उसी तरह क्रोधादि की जो क्रिया है, वो क्रिया मेरे द्वारा होती है, ये मानना भी उस परपदार्थ के कर्तृत्व की तरह ही है। लेकिन क्या होता है, कितना फर्क कितना है, कि परपदार्थ को अपना कर्ता मानने पर तो परपदार्थ की वृत्ति तस्से मस नहीं होती, उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है।
यहाँ आत्मा को क्रोधादि का कर्ता मानने पर आत्मा अपवित्रता का अनुभव करता हुआ और निरंतर उन क्रोधादि को ही जन्म देता है, उन्हीं का जन्म होता है। जन्म तो नहीं देता पर उन्हीं का जन्म अपवित्रता के अनुभव में होता है। अपवित्र अनुभव करे तो पवित्रता कहां से आएगी? अनुभव ही ऐसा करे, चाहे भले ही बहुत ही उच्च कुल का हो, लेकिन जिसने नीचाइयों का एक तलस्पर्शी संबंध जिसने स्थापित किया है नीचाइयों के साथ, तो नीच है, क्योंकि उसे निरंतर नीचता का ही अनुभव होगा। नीच कर्म का कर्ता अपने आप को मानता है, जिसने उसे अपना कर्तव्य माना तो उसे नीच कर्म ही उसे सूझेगा ही हुई। उसे क्या सूझेगा? अच्छा काम करना सूझेगा, इसलिए उसी की संतति उसको चलती है। वो उत्पन्न हुआ तो उसकी अनुभूति क्या प्रति समय की, ये मेरा कर्म और मैं इसका कर्ता, क्योंकि ये मेरे भीतर ही पैदा हुआ है। बस हो गए, कथा खत्म हो गई। इतनी सी बात, मेरे भीतर उत्पन्न हुआ, ये इसलिए ये जो उत्पन्न हुआ है तो मैं ऐसा ही हूं इसलिए ये उत्पन्न हुआ, ये इसका मानना। क्यों उत्पन्न हुआ ये? कि मैं ऐसा ही हूं इसलिए मेरे भीतर से उत्पन्न हुआ, यही मेरा कर्म और मैं इसका कर्म। बस हो गया, अब बिल्कुल दिशा बदलती। संतों ने जो इस वस्तु व्यवस्था के पाताल में जाकर शोध की है वो सचमुच हैरानी पैदा करने वाली है। ये विज्ञान मैंने आत्मा के अतिरिक्त ये विज्ञान कहाँ मिलेगा? जहां तक ये आज का कहा जाने वाला विज्ञान पहुंचता ही नहीं, जिसके संबंध में वो कल्पना भी नहीं कर सकता। इन महावैज्ञानिकों ने ये शोध कैसे की, कैसे पता लगाया इस बात का कि स्वयं आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाली वृत्तियों का आत्मा से रंच मात्र भी संबंध नहीं, उनके भीतर आत्मा रहता ही नहीं। कर्म में तो करता रहा करता है, इनके भीतर यदि आत्मा नहीं रहता है तो फिर आत्मा इनका कर्ता कैसे हुआ? इधर लॉजिक से सिद्ध है बात, यही तो नहीं है, इनमें है ही नहीं आत्मा, आत्मा की वो चीज ही इनमें नहीं दिखाई देती, इसलिए सचमुच आत्मा नहीं है। बुरादे के लड्डू जैसे कोई बना ले, बुरादे के इसमें घी डाल दे, शक्कर डाल दे, तो खिलाए किसी को, जो मूर्ख होगा वो तो कहेगा कि तो बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन जो समझदार है वो तो जानता है। पहले विवाह के बाद इस तरह के मजाक भी किए जाते थे, जो दुल्हन को लेने आते थे उनको कैसे कैसे भोजन रखे जाते थे। तो उस साथ में कोई बालक हो तो खा जाता था, सब्जी है क्या करें, और उसको सब्जी रखी जाती थी, उसकी ज्वार के जो दंथल होते हैं उनके भीतर जो सफेद गूदा निकलता है, तो उसके टुकड़े किए और उसकी सब्जी बनाई और उसको बेसन के गट्टों जैसा कर दिया, रख दिया उसने। अब उसमें जो
उसका जो स्वरूप है उसे चाहे कितना ही बाहर का रूप दिया जाए, लेकिन बेसन के गट्टों जैसा जो स्वभाव है वो उनमें कभी आ सकता है क्या? वो तो दांतों से आगे जाना ही नहीं चाहता है, तो वो चबाते ही रहो, वो पिघलता ही नहीं, वो खस्ता होता ही नहीं है, तो वो उतरने में ही दिक्कत करता है। तो जो समझदार है वो तो छोड़ देता है। और तो उसको कहा जाता है तुम साहब अच्छा नहीं बना ये खाना, ये अच्छा नहीं लगा, और वो रोटी के भीतर कागज और रख दिया जाए, कागज रोटी के दो परत होते हैं ना, कागज। तो जो समझता था वो तो खाना बहुत बढ़िया बना है, सब छोड़ देता, मेरे लायक नहीं। ये स्थिति पाप पुण्य की है। जो बालक है, बालक मैंने जो मूर्ख है, अज्ञानी है, जो किसी भी तरह उसको स्वादिष्ट जानकर खा जाता है, लेकिन समझदार व्यक्ति तो देखते ही समझ जाता है, इसलिए उसको छूता भी नहीं। ऐसी इन व्यक्तियों के साथ और इस विश्व के क्रियाकलापों के साथ हम अपनी अनधिकार चेष्टाएं छोड़कर कर्ता कर्म तोड़ दें तो संपूर्ण भार से मुक्त हो जाती है। तो मानने में कितना भार, मानने में भार कितना, करता हुआ दिखाई देता है वो करता नहीं, लेकिन जिसको उस प्रकरण का स्वामित्व है उसे करता कहते हैं। शास्त्र में शब्द आया है कि जो प्राकरणिक है वो करता है, अर्थात उस प्रकरण का जो स्वामी है वो करता है। जो विवाह में जो स्वयं जिसके यहां विवाह हो रहा है वो कितना काम करता है, और दूसरे लोग एक मिनट के लिए चैन नहीं लेते, उनका पसीना बहा करता है, उन काम में लगी रहती, कौन है करता? क्यों है ऐसा? क्योंकि ये काम करते हुए दिखाई देने वाले ये बिल्कुल निर्भर है, क्योंकि घट भी जाए तो इनका कुछ नहीं घटा, इनकी इज्जत नहीं घटी और तो कुछ घटा ही नहीं, पर इनकी इज्जत नहीं घटती है, और अच्छा हो जाए तो इनको यश मिलने वाला, जिसने हाथ भी नहीं लगाया उसको सारा यश जाने वाला है। तो आत्मा इन क्रोधादि वृत्तियों का और अन्य पदार्थों के क्रियाकलापों का प्राकरणिक नहीं है, उनके प्रकरण का स्वामित्व ये अपने ऊपर लेता नहीं, क्योंकि सारा का सारा पराया है। एक बार ऐसा जान लेने पर कि पराया है, ममत्व टूटा और सारा भार समाप्त हो गया, संपूर्ण समाप्त हो गया। मुनिराज में क्यों नहीं रहता भार, है कोई भार? कभी तो खाना खाना है, जाना है उस चढ़ा के हाथ जाना, कैसा मिलना है, क्या होना है, भाई किसे खाना है किसे नहीं खाना है, मिलना है नहीं मिलना है, ये बात तो हमारी बहुत पुरानी हो गई। तो ये ऐसी गंदी बातें हैं, ऐसी मूर्खता की बातें तो पहले चला करती, अब तो वो चैप्टर ही अध्याय खत्म हो गया, जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ जिसमें केवल आनंद ही आनंद की हिलोरें हैं,
हम तो निरंतर उन्हीं के भीतर रहते हैं। ये मुनिराज का जीवन, इसको आमंत्रित करने के लिए आचार्य कर्ता कर्म भाव का ये अधिकार लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि इस कर्ता कर्म पर से अधिकार छोड़ना है, ये कर्ता कर्म का अधिकार इसलिए है कि इस पर से हमारा अधिकार सजा के लिए छूट गया है।